बहु बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करेंगे। सुनिए आपने इन महंत के कठोर शब्दों को। ये हेट स्पीच का वीडियो वायरल हो रहा है, दोबारा आप इस वीडियो को सुनिए। मैं बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुले राम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। सुगरबाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है और सुगरबाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगरबाड़ा रहेगा और न। तो देखा आपने कैसे यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए लोग धर्म की आड़ में तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं और ऐसे बयान देते वक्त ये भी भूल जाते हैं कि चाहे कोई भी समाज हो, धर्म हो, महिला सम्मान सबसे ऊपर बताया जाता है। ये जो वीडियो आपने देखा ये सीतापुर का बताया जा रहा है और इस वीडियो में जहर उगलते महंत का नाम बजरंग मुनिदास है। कथित तौर पर ये वीडियो पिछले शनिवार यानी कि 2 अप्रैल को एक धार्मिक जुलूस के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें एक मस्जिद के सामने ये महंत खास समुदाय के लोगों के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और महिलाओं को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। जिस दौरान महंत की ओर से ये विवादित बयान दिया जा रहा था उस वक्त पुलिस भी वहां मौजूद थी। हेट स्पीच वाले इस वीडियो को देखिए, एक पुलिसकर्मी बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। लोग धार्मिक नारों के साथ नफरत भरे भाषण और रेप की धमकियों को सुनते भी नजर आ रहे हैं। कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुले राम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, इस पर सीतापुर पुलिस प्रशासन को भी घेरा जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना इस वीडियो को शेयर करके इसे ट्रिगर वार्निंग बताती हैं और लिखती हैं कि एक वक्त था जब देश के सभी धर्मों के लोगों ने निर्भया दामिनी के मामले में मिलकर आवाज उठाई थी। आज कुछ घटिया खुलेआम औरतों के रेप की धमकी दे रहे हैं, इनकी हिम्मत तो देखो, क्या इनको पता है बलात्कार क्या होता है? धिक्कार है ऐसे लोगों पर। एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, खैराबाद में खुलेआम दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, कहां है बाबा जी का बुलडोजर? इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी? क्या यूपी पुलिस के संरक्षण में ये कृत्य किए जा रहे हैं? क्या इनके लिए कोई संवैधानिक कार्यवाही होगी? सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद हालांकि सीतापुर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उत्तर राजीव दीक्षित द्वारा जांच करवाए जाने की बात कही है। पुलिस ने कहा है कि जांच में सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।